हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम अमूमन देखते हैं कि हमारी बाइक चोरी हो जाती है, चोर चोरी करके ले जाते हैं, हम कहीं अनजान जगह खड़ी करते हैं तो लॉक वगैरह तो हम सब लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बाइक चोरी हो जाती है, हमारी स्कूटी चोरी हो जाती है, एक्टिवा चोरी हो जाती है। तो टू व्हीलर का बहुत ज़्यादा हमको खतरा रहता है दोस्तों। तो मैंने एक ऐसा आइडिया इसमें लगाया है दोस्तों कि अगर आप उस चीज़ को इंस्टॉल करा लेंगे और वो भी फ्री में, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, सिर्फ आपको उसको लगवाना पड़ेगा, तो आप उससे अपनी टू व्हीलर की हमेशा हिफाजत कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ उसमें लगवा लेंगे दोस्तों तो आपको कभी भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि जो हमारी बाइक चोरी हो सकती है या हमारी एक्टिवा चोरी हो सकती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको यही जानकारी दी है, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करें और इस जानकारी को लें और अपनी गाड़ी में ज़रूर लगवाएं। इससे आपकी हमेशा बाइक की सेफ्टी रहेगी और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ और नई नई चीज़ों की जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो प्लीज़ आइए वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं और ये ज़रूर आप लगवाएं, ये बिल्कुल फ्री में आपके लग जाएगा दोस्तों। तो आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, और चलो वीडियो को देखते हैं दोस्तों। तो आइए तो दोस्तों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे आपकी बाइक की हमेशा सेफ्टी रहेगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना और मैं लगाकर इसको पूरा आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी गाड़ी में मैं आपको लगा के बताता हूँ ये कैसे लगता है। तो आप भी इस तरीके से अपनी बाइक में इसको लगवा लें ताकि आपकी बाइक हमेशा सेफ रहे और ये फ्री में आपको इतना अच्छा तरीका मिल जाएगा ताकि आप अपनी सेफ्टी कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और वीडियो देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम दोनों इसके जो बाइक्स में अगर लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये दोनों इसके साइड के कवर खोलने पड़ेंगे। तो हम इसको खोल लेते हैं, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ना खोलें, मेरे को ज़रूरत है इस चीज़ की तो मैं इसको खोलूँगा। तो आप भी इस तरीके से दोनों कवर को बाहर निकाल लें, जिस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, मैं भी इसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कवर हम खोल लेंगे। अब ये हम इसका दूसरी साइड का भी दोस्तों खोलेंगे कवर। ये देखिए इस प्रकार से हम पेचकश के द्वारा से इस कवर को खोल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये दो, एक इस साइड एक उस साइड, इसका ये सीट के दो बोल्ट होते हैं, तो इन बोल्टों को हम खोल लेंगे और सीट को भी, इस सीट को भी हटा लेंगे। तो मैं खोलता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार गुट्टी की मदद से हम इस 10 नंबर बोल्ट को खोल लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक हाथ से मुझको मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी थोड़ी मुझे को दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको खोल लिया। अब दूसरी साइड का भी हम खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हम इस सीट को हटा लेंगे, जिससे कि आप देख रहे हैं ये सीट में इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ये सीट को भी हमने हटा ली, ठीक है दोस्तों। अब ये सीट को हटाने के बाद यहाँ पर ये दो टंकी के बोल्ट लगे हुए हैं, तो इस टंकी के बोल्ट को हम खोल लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख, तो ये देखिए दोस्तों, अब हम ये टंकी के बोल्ट खोल लेते हैं। ये दोनों बोल्ट ऐसे खोल लेंगे दोस्तों, ये हमने दोनों बोल्ट खोल लिए। ये देखिए दोस्तों, दोनों बोल्ट यहाँ से हमने खोल लिए हैं। तो आप भी इस तरीके से बोल्ट को खोल लें। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों इसका जो हमारा ये
पेट्रोल बंद करने का होता है, तो दोस्तों इससे हम पेट्रोल को ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करने के बाद ये यहाँ से इसकी पाइप को हम बाहर निकाल देंगे दोस्तों, टंकी को निकालने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इस टंकी को थोड़ा सा पीछे की साइड खिसका लिया है, क्योंकि हमको दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें हमारे जो प्लग में जो वायर लगता है दोस्तों, तो ये जो प्लग की जो कोई वायर जो ये कोई लगी हुई दोस्तों, ये देखिए आप इस कोईल में, तो इसी कोईल में हमको कनेक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे दिक्कत ये थी दोस्तों कि मेरे जो ये कोईल लगी हुई थी, ये प्लग में जो वायर जाता है हमारा, ये देखिए ये, तो ये जो वायर जो दोस्तों जा रहा है ये ऊपर, तो ये यहाँ पर आकर ये इसकी कोईल लगी हुई है। तो इस कोईल में भी, इस कोईल मेरी क्या है कि दोस्तों ऊपर है, टंकी के नीचे है, तो इसलिए मुझे ये टंकी हटाने की ज़रूरत पड़ी है। अगर आपके ऐसी ज़रूरत ना हो दोस्तों, एक्टिवा में या मेस्ट्रो में या पेशन में या कोई भी टू व्हीलर व्हीकल में अगर आपको ऐसी ज़रूरत ना हो खोलने की, तो आप ना खोलें। मेरे को ज़रूरत है इसलिए मैंने खोली है। अगर आपकी ये चीज़ यहीं पे कहीं पे साइड में हो दोस्तों, तो आप टंकी वगैरह ना खोलें और यहीं से इसके कनेक्शन करके आप ये स्विच लगा सकते हैं दोस्तों। तो अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कनेक्शन हम कैसे करते हैं। सिर्फ हमको बड़ा आसान है, मैं अभी बताता हूं दोस्तों आपको। अब ये देखिए दोस्तों, इस कोईल का मैंने एक वायर यहां से निकाल लिया है, जो ये मेन करंट यहां पे आता है, तो इसमें से मैंने एक वायर यहाँ पर निकाल लिया। और एक जो वायर होता है वो अर्थ का होता है दोस्तों, तो आप किसी में भी कट लगा कर इस वायर को अंदर जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये अर्थ का है काला वाला, ये मेन है ब्लू वाला, तो इन दोनों में से दोस्तों ये भले चाहे आप इसमें जोड़ें या इसमें जोड़ें, किसी में भी एक में ये जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये वायर एक जॉइंट कर दिया है। अब इसकी लंबाई कितनी रखनी है, ये आपको जहाँ भी आपका स्विच लगाना हो, आपको आपकी सेफ्टी के हिसाब से जहाँ से किसी को नज़र नहीं आए, तो उस वायर की उस स्विच तक इतनी लंबाई रखनी पड़ेगी दोस्तों आपको। चाहे आप डिग्गी के अंदर लगाएं, अगर स्कूटी एक्टिवा वगैरह हो तो आप डिग्गी के अंदर भी लगा सकते हैं, और मेरी बाइक है दोस्तों इसलिए मैं इसी के टंकी के नीचे ही इसको सेफ्टी के लिए यहाँ पर ही इंस्टॉल करूँगा स्विच को। तो आप अपने हिसाब से वायर की लंबाई रख सकते हैं दोस्तों चाहे जहाँ। तो इसमें जैसे एक वायर में मैंने ये वायर जोड़ दिया है दोस्तों। अब क्या करना है आगे मैं बताता हूँ दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, एक वायर तो हमारा ये हो चुका है और एक वायर ये हमारा ये हो चुका है। ये जो दूसरा वायर है दोस्तों, इसमें जो हमने कट लगाया था, काटा था, तो दो हिस्से हो चुके थे इसके, तो एक हिस्सा इसमें जोड़ना है हमारे को और दूसरा हिस्सा इसके ये दूसरे हिस्से में जोड़ना है। ये देखिए आप ब्लू निशान, ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं, तो यही वायर जिसे इसमें ये यहाँ पर जुड़ा होता, तो हमने यहाँ से अलग कर दिया। अब ये इसके दो हिस्से हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये दो मुंह हो चुके हैं दोस्तों। अब इस दो मुंह में हम यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे दोस्तों। तो मैं स्विच लगा के बताता हूँ दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, हमने ये इस प्रकार से ये इसमें स्विच लगा दिया है, इन दोनों वायर को कट कर इस दोनों में ये वायर जोड़ दिया है, और इस तरीके से हमने इसमें स्विच लगा दिया है दोस्तों। अब इस स्विच को हम यहाँ पर ये पत्ती वगैरह कुछ भी यहाँ पर सेट कर दोस्तों इस स्विच को उस पत्ती में टाइट कर देंगे। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, टाइट कर और यहाँ पर सभी पर ये वायर जो खुल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप अच्छी सी टेप कर दें दोस्तों, जैसे आप करना चाहें, आपकी सेफ्टी के हिसाब से जैसा भी करें, तो इसमें भी टेपिंग कर दें दोस्तों, और यहाँ पर भी टेपिंग कर दें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर ये पत्ती लगाकर इस स्विच को लगा दिया है, ताकि अंदर की साइड रहे। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जहाँ भी लगाना चाहें तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये स्विच मैंने इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर दिया दोस्तों। अब हम सब वापस टंकी वगैरह इसमें लगा देंगे दोस्तों, और फिर इसको बंद चालू करके आपको बताऊंगा कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों आगे।
तो अब ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से हमने इस टंकी को फिट कर लिए दोस्तों। अब इसकी हम ये पेट्रोल की जो पाइप है दोस्तों, तो इसको वापस कार्बोरेटर में लगा देंगे दोस्तों। जैसे ये यहाँ पर लगी हुई है तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, हमने हमारा ये स्विच यहाँ पर लगा दिया है और अब इसको हम अगर ऑफ करते हैं, ये हम जैसे इसको ऑफ कर दिया दोस्तों, अब देखते हैं हमारी बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये बाइक अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया है तो अब ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने कितनी किक लगाई है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और अब इस स्विच को हम ऑन करते हैं, ये देखिए, ये इस स्विच को हम ये यहाँ से ऑन करते हैं दोस्तों, ये ऑन कर दिया। अब हम किक लगा कर देखते हैं दोस्तों, ये स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो ये देखिए दोस्तों, किक लगाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुकी है, देखिए आप। बंद कर देते हैं चाबी से, ये एक बार और स्टार्ट करके मैं बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट कर दिया है और ये इसकी लाइट भी आ रही है जैसे आपने इस प्रकार, ये देखिए। और अब इसको बंद कर देते हैं दोस्तों, ये बंद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ये स्विच लगवा सकते हैं। और अब कभी भी इस स्विच को आप बंद कर देंगे तो कभी भी आपकी बाइक चोरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्विच हम जब बंद कर देंगे तो ये गाड़ी, चाहे चाबी ऑन हो या कोई भी चोर अगर इसमें चाबी लगा कर ले जाने की इसकी कोशिश करेगा तो ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी बाइक की या स्कूटी की या जो भी आपके पास टू व्हीलर है तो उसकी सेफ्टी इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे दी गई हुई जानकारी और बताई गई चीज़ आपको अच्छी लगेगी और इससे आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं। और ये बरसों कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ़ एक 10 रुपये के काम में आपकी लाखों की बचत हो सकती है और फ्री माइंड आप रह सकते हैं। इससे आप कहीं भी अपनी बाइक को खड़ी कर जा सकते हैं, चाहे जंगल में हो, चाहे कहीं भी सुनसान एरियो में हो, चाहे कहीं भी हो दोस्तों, कोई भी आपकी बाइक को नहीं ले जा सकता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और आपको नई नई तरीके की जानकारियाँ देता रहता हूँ और नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।